एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द नॉलेज पर्पस। आज हम सीखेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले जनरल एनेस्थीसिया ट्रॉली कैसे लगाएं और किन बातों का ध्यान रखें। जी, ये देने से पहले हमें एनेस्थीसिया मशीन चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे पावर ऑन कर रही हूँ और यहाँ से मशीन ऑन कर रही हूँ और मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल चेक करूँगी, हमारा ऑक्सीजन लेवल है या नहीं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बराबर है और दूसरा नाइट्रस गैस, आप भी देख सकते हैं नाइट्रस गैस भी है। ठीक है, हमारी मशीन यानी कि प्रॉपरली चल रही है और हम यहाँ पर देखेंगे सिरिंजेस है, इंजेक्शन वगैरह रेडी है कि नहीं। ठीक है, और एनेस्थीसिया मशीन में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है कि नहीं और एम्बू बैग लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब हम चलते हैं एनेस्थीसिया ट्रॉली पे, यानी कि जीए ट्रॉली पे। जीए देने के लिए हमारे पास सबसे पहले ऑल साइज ऑफ ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब अवेलेबल होनी चाहिए। फॉर फीमेल पेशेंट हम 6, 6.5, 7 और 7.5 का यूज़ करते हैं और मेल पेशेंट के लिए हम 8 और 8.5 का यूज़ करते हैं। सबसे पहले जीए देने के लिए हमें ईटी ट्यूब चेक करना है, इसलिए मैंने लिया है 10 cc का सिरिंज। यहाँ पर हम सिरिंज की मदद से यहाँ पर इन्फ्लेट करेंगे, ये कफ फूलेगा और यहाँ पर भी एक कफ है तो ये कफ भी फूलेगा, इन्फ्लेट होगा। और जब हम इससे सिरिंज को डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये कफ भी स्मॉल होगा, ये कफ भी कम होगा, यानी कि वो इन्फ्लेट डिफ्लेट होगा। मैंने यहाँ पर 12 नंबर का सक्शन रखा है ताकि कभी भी म्यूकस क्रिएट हो सर्जरी के टाइम, इंट्यूबेशन के टाइम, तो हम इससे सब कर सकें। इंट्यूबेशन के टाइम ईटी ट्यूब यानी एंडोट्रेकल ट्यूब को पेशेंट के थ्रोट में डालने के लिए हम लेरिंजोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली 3 नंबर और 4 नंबर का लेरिंजोस्कोप यूज़ होता है। अगर यहाँ पर लाइट दिखेगी, आपको दिख सकती होगी, यानी कि हमारा लेरिंजोस्कोप वर्क कर रहा है। तो अब हम इसे रख देते हैं। यहाँ पर रखा है एयरवे, ये डिफरेंट साइजेस के आते हैं, स्मॉल, बिग। जो सबसे छोटा होता है वो बेबीज़ के लिए यूज़ होता है, वो वाइट कलर का होता है और सबसे जो बड़ा होता है वो मोस्टली रेड होता है। यहाँ पर रखा हुआ है आईवी सेट, इसे कहते हैं आरटी यानी रेल्स ट्यूब, ये भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं, ये मोस्टली लैप कॉल, लैप हर्निया वगैरह में यूज़ होता है। यहाँ पर रखा हुआ है लॉक्स जेली, इसे इंसर्ट करने के लिए लॉक्स जेली का इस्तेमाल करते हैं। आरटी को इजीली इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले पेशेंट के नोज़ में लॉक्स जेली डालते हैं एंड यूज़ करते हुए हम इजीली आरटी को पेशेंट के नोज़ में इंसर्ट करते हैं और 10 cc सीरिंज से यहाँ पे पुश कर एक साउंड चेक करते हैं। अगर वो साउंड आ रहा है यानी कि आरटी हमारा पेशेंट के एब्डोमिन में है तो अब हम आगे सर्जरी प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन है, कभी कभी एनेस्थेटिक और पेशेंट का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो आईवी फ्लूइड को देने के लिए एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं मेगिस फोर्सेप। कभी कभी ENT सर्जरीज होती है तो इसके लिए हम थ्रोट पैक डालते हैं इसकी हेल्प से। ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए यहाँ पर 2 स्टिकिंग है। कभी कभी कैसा होता है कि ईटी ट्यूब प्रॉपरली पेशेंट के थ्रोट में जाती नहीं है तो यहाँ पर हम स्टिलेट का इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं स्टिलेट। यहाँ पर 2 मैंने स्टिलेट रखा है, इसे कहते हैं वेंटी स्टैंड। जब हम जीए दे देते हैं पूरा प्रोसीजर हो जाता है तो इसकी वेंटी जो मशीन की ट्यूब्स है ये वाले, इसको रखने के लिए ये स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आगे भी मेरी वीडियोस देखते रहना और मैं पोस्ट करती रहूँगी। थैंक यू।